एवरीवन, वेलकम टू गिनी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है महिला जयपुर से नरेंद्र कुमार जी, जो कि 70 वर्ष के हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनके नी रिप्लेसमेंट की जर्नी के बारे में। नमस्ते सर। तो सर की जर्नी के बारे में बताइए कि कितने सालों से सर अपने घुटनों के प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो रहे थे, और क्या क्या ऑपरेशन से पहले उनको डेली लाइफ में क्या क्या काम करने में दिक्कतें आ रही थी, क्या परेशानियां थी जिसकी वजह से आपने ऑपरेशन का रास्ता चुना, और क्यों आपने गिनी देवी हॉस्पिटल को चुना? ये है मैडम, ये पहले 4 साल स्क्रीन के बीमारी, तो ये बैठ भी नहीं सकते थे, जैसे खड़े होने की तो बहुत होती। फिर किसी ने 4-5 हमारे इधर की साइड ने 4-5 लोगों ने यहाँ ऑपरेशन करवाया। फिर मैं यहाँ ट्राई किया, और यहाँ ट्राई करने के बाद में मेरे को थोड़ा फैसिलिटी एरिया बढ़िया सुंदर लगा, फिर यहाँ करवा अच्छा लगा, और अभी दूसरे दिन चलने भी लगे। तो यहाँ के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर प्रतुल जैन, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों से जब हम पूछते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि डॉक्टर प्रतुल जैन बिल्कुल एक परिवार के जैसे, एक फ्रेंड के जैसे, ऐसे लगता ही नहीं है कि वो डॉक्टर हैं, और इतना अच्छे तरीके से उनका बिहेवियर रहता है सब पेशेंट्स के साथ में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका? मेरे को अच्छा लगा बात करने का, और मैं 2-3 बार उनसे मिला भी हूँ। अगर जैसे कोई काम के लिए बोलते हैं तो तुरंत काम हमारा हो जाता है, और उनका व्यवहार भी अच्छा लगा बोलने का। वो हॉस्पिटल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कई लोगों को लगता है ना कि हॉस्पिटल में जाके रहना इतने दिन कितना मुश्किल हो जाता है, हॉस्पिटल का माहौल ऐसा रहता है। मेरे को घर जैसे लगा है, जैसे यहाँ हूँ या घर पे हूँ, अच्छा लगा। यहाँ की सुविधाएं, सुविधा और फैसिलिटी बढ़िया अच्छी है। सर, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ऑपरेशन करवाने से जो हालत अभी है उनकी, वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। अभी तो कुछ काम वो कर पा रहे हैं, शायद ऑपरेशन करवाने के बाद वो काम भी ना कर पाए, और ज्यादा परेशानी बढ़ गई तो क्या करेंगे? इस डर से कई लोग ऑपरेशन करवाना ही नहीं चाहते, कई सालों से घुटनों के दर्द को लेकर परेशान। ये डर हमारे को भी था जी, और लेकिन मैं तो क्या 2-3 की मेरे दोस्तों से राय ली, और अच्छा लगा, हमारे को हो जाएंगी थी, हमारे को ये हॉस्पिटल अच्छा लगा, और इसमें फैसिलिटी भी अच्छी है, रूम भी ऐसे जैसे घर के जैसे है, और कोई परेशानी है हमारे को। सर, उन लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे जो ऑपरेशन के नाम से डरते हैं इसलिए कभी हॉस्पिटल विजिट ही नहीं करते, तो आप उन लोगों को अपनी जर्नी से क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी दिक्कत है हड्डियों रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, तो किस हॉस्पिटल को वो चुने, और कहाँ जाके किस डॉक्टर से वो सलाह लें? आप उनको क्या अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे? मैडम, इसमें ये है, अगर किसी के भी अगर ये दिक्कत रहेगी तो मैं तो और लोगों को कहना चाहता हूँ, अच्छा लगा, डॉक्टर भी बड़े हैं और हॉस्पिटल भी अच्छा है, और इलाज 100% हो गया।